इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां जेएपी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे पहले मंगलवार की सुबह पटना में बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस टीम ने पप्पू यादव को घर पर ही नजरबंद कर दिया। इसके बाद वही यानी कि पटना के मंदिरी स्थित आवास से पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें गांधी मैदान थाने ले जाया गया। पप्पू यादव के करीबी नेता ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में बताया कि उन पर लॉकडाउन तोड़ने की धाराएं लगाई गई है। पप्पू को किसकी पोल खोलने की सजा मिली है हम आपको बताएंगे। पप्पू यादव ने 3 दिन पहले सांसद मद से खरीदे गए एम्बुलेंस के बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने खुद उस स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंसों की तस्वीर ली थी। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी पर इसके लिए वीडियो के साथ गंभीर आरोप लगाए थे। ठीक इसी के बाद बिना अनुमति के सामुदायिक भवन में अपने समर्थकों के साथ जाने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ किए जाने के खिलाफ पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पटना पुलिस ने गिरफ्तारी दूसरे दिन यानी लॉकडाउन तोड़ने के मामले में की है। तो कहीं न कहीं अब बदले की राजनीति चल रही है। इसी को देखते हुए पप्पू यादव को हिरासत में लिया है। यानी जिस तरीके से पप्पू यादव ने बीजेपी नेता के कामों के खुलासा किया था, एम्बुलेंस जिस तरीके से विधायक निधि के पैसे में रखी गई थी उसका उन्होंने खुलासा किया था, जिसके बाद पप्पू यादव पर लगातार अब सियासत तेज होती जा रही थी और पप्पू यादव को लॉकडाउन तोड़ने की जुर्म में उन्हें हिरासत में लिया है, नजरबंद कर दिया गया है।